नमस्कार दोस्तों, रानी डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग जो ये देख रहे हैं, स्टूडियो मेरा नहीं है, मेरा किचन है और मेरे पास ना कोई डिजिटल बोर्ड है ताकि मैं डिजिटल बोर्ड पे आप लोगों को कुछ बता सकूं और ना ही मेरे पास उतना इनकम है। मुझे यूट्यूब से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मैं जो भी न्यूज आता है बिहार पुलिस से रिलेटेड या कोई भी कन्फर्म न्यूज हमको पता चलता है तो हम आप लोग के पास शेयर कर देते हैं। अगर जो भी न्यूज मेरे पास आता है हम आपके पास तुरंत शेयर करते हैं, जिसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। जो न्यूज होगा वही न्यूज मैं आपको दूंगा, गलत न्यूज मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूं और स्टूडेंट का दर्द मैं भली भांति समझता हूं। और आप लोग से मैं पहले ही बता दिया कि मुझे यूट्यूब से पैसे नहीं मिलता है, ये मत आप बोलिएगा कि व्यूज के चक्कर में मैं वीडियो बना दे रहा हूं। ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे यूट्यूब से पैसा नहीं मिलता है, लेकिन आप लोग को पहुंचाने के लिए, आप लोग के पास पहुंचाने के लिए कोई भी न्यूज हम YouTube का सहारा ले लेते हैं या Facebook का सहारा ले लेते हैं। ये कोई आप लोग कमेंट कर देते हैं कि आप लोग व्यूज के चक्कर में वीडियो बनाते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। अगर व्यूज भी मुझे मिलता है, मिल भी जाए, तो मुझे व्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पैसा नहीं मिलता है। जिनको पैसा मिलता होगा उनको व्यूज से मतलब रहता है। हम आपके पास ना ही आपका मोबाइल नंबर मेरे पास है और ना ही अगर मुझे कोई भी न्यूज आप लोग के पास शेयर करना हो तो मैं कैसे शेयर करूंगा आप लोग जानते हैं। YouTube या Facebook का ही सहारा मैं लूंगा, लेकिन YouTube का सहारा मैं इसलिए लेता हूं क्योंकि जो भी सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे हैं उनके पास ये न्यूज पहुंच जाए, इसीलिए मैं YouTube का सहारा लेता हूं। अदर प्लेटफॉर्म मेरे पास नहीं है आप लोग के पास कोई भी संदेश पहुंचाने के लिए। तो अगर आप लोग जैसे औरों को सपोर्ट करते हैं वैसे मेरा भी आप सपोर्ट कर देंगे तो बहुत ही कृपा होगी और मैं भी कुछ यूट्यूब में कर सकूंगा। तो आप लोग के ऊपर निर्भर करता है, आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, ये मैं आप लोग को जबरदस्ती मैं नहीं बोलूंगा। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए। तो आज बिहार पुलिस 21391 का जो अपडेट है मैं वो अपडेट आप लोग के पास शेयर करूंगा और आपका जो न्यू वैकेंसी कब आने वाली है वो भी मैं आपको बताऊंगा और एग्जाम कैसे होगा, मतलब कि आपका रिटर्न पर मेरिट बनेगा या फिजिकल पर मेरिट बनेगा और एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, क्या क्या बदलाव पूरी कर दी गई है बिहार पुलिस 21391 वाले जो भी जितना भी कैंडिडेट करीब 18 लाख कैंडिडेट वेट कर रहे हैं कि मेरा एग्जाम कब होगा। एग्जाम हुआ था लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया क्योंकि भारी मात्रा में क्वेश्चन वायरल हो गया था। तो अभी जो एग्जाम होने वाली है मैं सब उसी एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपका न्यू वैकेंसी आएगा मैं सब बताऊंगा आप लोग को। आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं जो बताऊंगा कोई भी यूट्यूबर यही सब बताएगा लोग, क्योंकि उनके पास कोई कन्फर्म सूचना नहीं रहती है। कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं हो जिनके पास कोई कन्फर्म सूचना हो कि आपको कन्फर्म बता दे कि आपका एग्जाम इस तिथि को हो जाएगा। इसलिए आप लोग को जो भी आप लोग को अगर कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा तो आप लोग को और बेचैनी होगा। आप लोग को न्यूज कहाँ मिलेगा, कैसे आप कुछ जानिएगा कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम में क्या पैटर्न होगा, क्या बदलाव होगा, एमसीएल का क्या मामला रहेगा, आप लोग को कैसे पता चलेगा, कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए कोई अगर इतने यूट्यूबर है उसमें कोई यूट्यूबर सच भी बताते हैं, कोई झूठ भी बताते हैं, कोई व्यूज के चक्कर में बताते हैं कि या कोई जो न्यूज मिलता है वो बताते हैं, लेकिन कन्फर्म आप कहिएगा 101% कन्फर्म तो कन्फर्म आप लोग को न्यूज कोई नहीं बता सकता है कि हाँ आपका एग्जाम इस तिथि को होगा, क्योंकि ये CSBC जो भी आपको नोटिस जारी करेगा वो तत्काल ही नोटिस जारी करेगा। आपको कोई सूचना पहले नहीं मिल सकेगा कि मेरा एग्जाम इस तिथि को होगा, नोटिस इस तिथि को आएगा, क्योंकि जो भी CSBC के चेयरमैन जो बदलाव किए गए हैं वो चेयरमैन आपके एग्जाम में जुड़ चुके हैं, पूरी तरह से जोरों शोर से काम चल रहा है। लेकिन आपसे मैं एक विनती करता हूं कि आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो तो तैयारी का स्पीड अपना बढ़ा दीजिए और मन से पढ़ाई कीजिए और अपना स्कोर जो है समय समय से गांधी मैदान में टेस्ट भी होता है, आप टेस्ट में जाकर बैठ भी सकते हैं अगर पटना में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो, और अदर अपना जो सेट बना रहे हैं उस सेट पे ज़्यादा फोकस कीजिए कि आपको सेट में कितना नंबर मिल रहा है, आप कितना क्वेश्चन हल कर रहे हैं। आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, तो आपका जो अनुमानित स्कोर है कि आप जो सेट बनाइएगा उसी में अनुमानित स्कोर आपको मिलेगा। ऐसे आप अपने से बनाइएगा तो कोई फायदा नहीं है, आप सेट बनाइए तरह तरह, जैसे कि 40-50 बच्चे जब बैठ के वहाँ कंपटीशन दे रहे हैं तो उस कंपटीशन में आप भी हिस्सा लीजिए और वहाँ सेट बनाइए कि मेरा सेट में कितना सही हो रहा है, कितना पकड़ हो रहा है, इसमें जो आपका कट ऑफ है एग्जाम जो है आपका सही से होगा आपकी बात, कोई इसमें वायरल का झमेला नहीं रहेगा क्योंकि ये पूरी तैयारी कर ली गई है कि एग्जाम कैसे होगा।
और जो भी तैयारी है पूरी तैयारी हो रही है, लेकिन मैं आपको इसमें और भी कंफर्म जानकारी दूंगा, तो इसलिए आप लोग वीडियो पे बने रहिए। चैनल पहली बार देख रहे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, एनर्जी लगती है, आप लोग कमेंट करने में कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो न्यूज है मैं वही न्यूज आप लोग के पास शेयर करूंगा, क्योंकि मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं ताकि आप लोग मुझे उतना प्यार दे सकें, लेकिन आपका छोटा भाई हूं और जो भी मुझे न्यूज मिल रही है वो न्यूज मैं आप लोग के पास शेयर कर रहा हूं। तो आप लोग छोटा भाई को भी प्यार दीजिए जैसे औरों को प्यार देते हैं। इसमें आप लोग का एग्जाम जो है, एग्जाम आपका ऑफलाइन ही होगा, पूजा मार्कशीट पे ही होगा। तो आप क्या कीजिए, जब भी सेट लगाते हैं जितने भी नए कैंडिडेट हैं जो पहले बार या दूसरा बार एग्जाम देने जा रहे हैं जो बिहार पुलिस का ओया मार्कशीट पे, तो क्या करेंगे 10-15-20 रुपए में ओया 10 रुपए के आसपास में ओया मार्कशीट मिलेगा आपको, हर दुकान पे उपलब्ध रहेगा, पुस्तक वाले दुकान पे, वहां से आप ओया मार्कशीट ले लीजिए और जैसे आपका एग्जाम होता है वैसे आप क्वेश्चन को हल कीजिए और उसको अच्छे से गोला कीजिए, अच्छे से रंगिए, क्योंकि रंगना भी एक कला है। अगर आप सबका सब क्वेश्चन बना भी देंगे अगर सही से गोला को नहीं भरेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आपका पेंडिंग में चल जाएगा, तो आपको बनाने से वहां कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जो भी नए कैंडिडेट हैं वो गोला भरने के लिए अच्छे से सीख लें और दुकान पे आपको उपलब्ध रहेगा, आप वहां से ले लीजिएगा, लेके अपना बनाइएगा और अपना पढ़ाई में जोरों शोर से अपना जी जान लगा दीजिए, क्योंकि इस बार जो भी एग्जाम होगा बहुत ही बढ़िया तरीके से होगा, इसमें कोई भी धांधली आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर धांधली देखने को भी मिलेगा तो अभी आप कन्फर्म में मत रहिएगा कि आपको धांधली देखने को मिल ही जाएगा। इसलिए मैं बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए, जो होगा सो आगे होगा, लेकिन अभी हमको जो करना है वो हम करेंगे। हमें क्या करना है, पढ़ाई पे पूरी फोकस करना है, क्योंकि आपका एग्जाम की पूरी रणनीति पूरी तैयारी हो रही है, आपका एग्जाम में जोरों शोर से लग गए, एक और मंत्री लोग लगा हुआ है, एक और CSBC लगा है, मंत्री लोग आप समझ ही गए हैं वो अपना चुनाव में लगा हुआ है लोग, और यहाँ जो CSBC है वो अपना एग्जाम को लेकर पूरा तैयारी में लग चुका है, और आपका जो एग्जाम है आप मतलब कि सबसे बड़ी भर्ती है 21,391 अभी तक आपके लाइफ में सबसे बड़ी वैकेंसी है, इसको सही से कराना मतलब कि चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अब की बार धांधली होगा तो बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो उनका मनोबल टूट जाएगा। इसलिए आप लोग पढ़ाई पे पूरा फोकस कीजिए, आपका एग्जाम होगा तो ओया मार्कशीट पे ही होगा, 120 मिनट का समय रहेगा और 100 क्वेश्चन आपका रहेगा उसमें। आप पिछले वाले सिलेबस को उठाकर देख लीजिएगा, जैसे आपको वहां से क्वेश्चन टच करेगा वैसे आप बनाइएगा और अपना सेट 3-4 सेट पकड़ लीजिए, जो ग्रुप में सेट बनता है वहां पे जाके बनाइए। और आपका न्यू वैकेंसी, अभी आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, आपका एग्जाम का नोटिस जो भी नोटिस आएगा वो आपका एग्जाम से रिलेटिव नोटिस आएगा और उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपका एग्जाम स्थिति को होगा और आपका सेंटर होम सेंटर ही रहेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और मैंने बता दी OMR सीट, होम सेंटर और MCL EWS का मामला अभी तक इसके बारे में हम आपको कुछ नहीं बताएंगे अभी, क्योंकि अभी एग्जाम का कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है और आगे MCL का मामला फिर आएगा तो फिर आगे आवाज उठाया जाएगा कि MCL EWS का मामला को खत्म करने के लिए। तो यहाँ तक आपको जानकारी चल गई है और आपका जो न्यू वैकेंसी है तो न्यू वैकेंसी आपका अभी नहीं आएगा, जैसे ही चुनाव खत्म होगा, जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म होगा आपका 21,391 का एग्जाम ले लिया जाएगा। और ये पहले बोला गया था एक पेपर के कटिंग में कि अप्रैल के लास्ट तक आपको एक मतलब एग्जाम डेट देखने को मिल जाएगा, तो हालांकि ये बात सही है लेकिन हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं, बात सही है ये तो कटिंग भी सही है लेकिन कंफर्म हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि CSPC है कभी भी बदल सकता है तो हम नहीं बता सकते हैं। और आप लोग को जानते ही, अगर हम बोल दें कि हाँ अप्रैल का लास्ट में आ जाएगा तो आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, फिर उस समय हमको गाली दीजिएगा कि अप्रैल के लास्ट में बोले थे नहीं आया, तो हाँ ये बात सही है कि अप्रैल में बोला गया है कि हाँ लास्ट तक आपको नोटिस मिल जाएगा, लेकिन नोटिस कन्फर्म नहीं, हम कन्फर्म आपको नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ नोटिस आने की उम्मीद है, आपका एग्जाम डेट मिलने की उम्मीद है। लेकिन एग्जाम आपका कब होगा, आपका चुनाव जैसे खत्म होगा, चुनाव खत्म होते ही आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। और न्यू वैकेंसी जो स्पेशल ब्रांच की है, इसमें आपका 21,391 में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, जैसे पहले होता था वैसे ही होगा। और जो न्यू स्पेशल ब्रांच की जो बहाली आने वाली है कांस्टेबल की बिहार पुलिस की, तो उसमें आपका बदलाव होगा, क्योंकि उसमें आपका स्पेशल ब्रांच के थ्रू आपकी वैकेंसी निकाली जाएगी और CSBC ही एग्जाम कंडक्ट कराएगा, लेकिन उसमें बदलाव आपको देखने को यही मिलेगा कि आपका फिजिकल बेस पे मेरिट नहीं बनेगा, आपका रिटर्न बेस पे बनेगा, आपका 2 रिटर्न होगा
तो आप लोग ये जान लीजिए क्योंकि उसमें रिटर्न भी आपको पास करना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई पे पूरा फोकस कीजिए और जो भी नए कैंडिडेट है वो अपना फिजिकल भी तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको इलेक्शन बाद एग्जाम ही एग्जाम है, आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि आप तैयारी जोर शोर से कीजिए और अपने एग्जाम का जो भी कन्फ्यूजन है निकाल दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी कन्फर्म न्यूज होगा हम आपको बता देंगे, आपका एग्जाम इधर नहीं होगा, लोकसभा चुनाव जैसे ही खत्म होगा आपका एग्जाम भी होगा और आपका न्यू वैकेंसी भी रिलीज होगा स्पेशल ब्रांच वाला। बस इसलिए मैं आप लोग को यही बताना चाहता था वीडियो के माध्यम से, मैंने बता दिया। जय हिंद, जय भारत।